सोनीपत लोकसभा से संगठन मंत्री अनिल तुशीर ने सागर रेस्टोरों में प्रेस वार्ता में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि आम आदमी पार्टी का लोकसभा व विधानसभा का उम्मीदवार बनने के लिए कोई भी आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने के लिए आवेदन कर सकता है। फौजियों, युवाओं, महिलाओं व पत्रकारों को प्राथमिकता दी जाएगी। आम आदमी पार्टी दिल्ली मॉडल पर हरियाणा में चुनाव लड़ेगी और जीतेगी भी। अनिल तुशीर ने चुनाव के आवेदन को लेकर कहा कि आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार आम आदमी ही होगा। उन्होंने बताया अभी तक 250 से अधिक उम्मीदवारों ने लोकसभा व विधानसभा के लिए आवेदन दिया है। 2019 लोकसभा का इलेक्शन 40 से 50 दिन ही बचे हुए है और आम आदमी पार्टी ने अपनी पूरी तैयारियां लोकसभा इलेक्शन और विधानसभा इलेक्शन को लेकर कर चुकी है। इसी उसमें आम आदमी पार्टी के अंदर हर वो आदमी जो आम आदमी है इलेक्शन के लिए फार्म भर सकता है। हमने ये फार्म सभी के लिए ओपन किया है कि इस फार्म को कोई भी आम आदमी फार्म भर के अपने इलेक्शन के लड़ने के लिए अप्लाई कर सकता है। हमारी जो प्राथमिकता रहेगी महिलाएं, युवा, सैनिक, पत्रकार, इनके लिए हमारी पार्टी के अंदर प्राथमिकता रहेगी कि आम आदमी पार्टी आम लोगों की पार्टी है, ना कि बड़े बड़े घरानों की पार्टी। तो हमने ये फार्म में रिलीज किया है कि इस फार्म को कोई भी भर सकता है और दावेदारी पेश कर सकता है। अभी तक जो हमारे पास जो दावेदारी आई है 250 से ज़्यादा लोगों ने लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन के लिए फार्म भर चुके हैं। अभी 2 से 3 दिन के लिए ओपन रहेगा और हमें लिंक भी फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे हमने डाला है। इस फार्म के अंदर उसकी सारी चीज़ें, उसकी जो पढ़ाई है, उन्होंने क्या सामाजिक कार्य किए हैं, फेसबुक, ट्विटर, सारी चीज़ें इसके अंदर उन्होंने भर के देनी होगी। दूसरी चीज उसके ऊपर किसी तरह का केस ना हो, आपराधिक केस ना हो या करेक्टरलेस ना हो, ऐसे आदमी की आम आदमी पार्टी के अंदर कोई जगह नहीं है। और इसके अंदर हमने एक चीज और करी है, जो भी लोकसभा इलेक्शन के लिए फार्म भरेगा 5000 लोगों के साइन, नाम और नंबर और उनका एड्रेस वो लेके आएंगे और विधानसभा इलेक्शन के लिए 1000 लोगों के नाम, नंबर और साइन जो इलेक्शन के अंदर जो कैंडिडेट होगा उसकी मदद कर सके। और हमारा जो इलेक्शन रहेगा वो दिल्ली के मुद्दों पर रहेगा कि दिल्ली के अंदर जो आम आदमी पार्टी ने शिक्षा के ऊपर काम किया है, स्वास्थ्य के ऊपर काम किया है, बिजली पानी के ऊपर काम किया है, किसानों को फसल खराब होने पर 20,000 रुपये मुआवजा दिया है, और जितनी भी पार्टियां किसानों के लिए कहती आई है कि हम स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे, पूरे देश में आम आदमी पार्टी जिन्होंने दिल्ली के अंदर स्वामीनाथन रिपोर्ट के ऊपर काम किया है जो आज तक किसी भी सरकार ने नहीं किया। सोनीपत से आदेश त्यागी की रिपोर्ट।